गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विनायक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अपनायक का विनायक। सुबह के बज चुके हैं 6:15 और आज अपना प्लान है पंडरपुर विठू राया की नगरी। नगरी बापा मोरिया अभी तो अंधेरा है, कुछ इतना दिखाई नहीं देगा, तो आपको मिलता हूँ आगे जाके। हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं सुबह के नज़ारे, हल्का हल्का सा सूरज ऊपर आता हुआ और सवेरा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा कम हो रहा है, हल्की हल्की सी ठंड महसूस हो रही है। और अपना मैप दिखा रहा है एक घंटे का टाइम पहुंचने का, इस तरह से हमने 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। देख सकते हैं रीडिंग पे, मीटर पे आप देख सकते हैं, थोड़े मीटर पे 10,000 किलोमीटर। कॉपी कर ली है, और मैंने आज पहली बार एक्सटर्नल माइक लगाया है। अब तक की मेरी जो वीडियोस थी ब्लॉग थे, जिसमें मैं इंटरनल माइक से ब्लॉगिंग करता था, अभी मैंने एक्सटर्नल माइक लगाया है। इसका आवाज़ कैसा है कमेंट करके बताइए। तो आज का अपना प्लान है पंडरपुर, पंडरपुर में आज स्टे करेंगे और कल सुबह के आगे अक्कलकोट स्वामी समर्थ मठ के लिए निकलेंगे। और फिर स्वामी समर्थ मठ के दर्शन लेके वापसी का अपना रास्ता, तो ऐसा कोई प्लान है। वैसे तो तीन गांडी है, कोई भी पेट्रोल भराना है, टाकी फुल करानी है, आगे पनवेल में जाके टैंक फुल कर लेते हैं। मैंने घर से मीटर भी सेट नहीं किया, टाकी फुल कर लेंगे फिर मीटर सेट करेंगे। चलो फिर आपको आगे जाके मिलता हूँ। ये हम लोग पहुंच चुके हैं पनवेल, यहाँ से पुणे जाएंगे और फिर पुणे सोलापुर रोड से पंडरपुर, लगभग 400 किलोमीटर का रास्ता है। फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन,
रायगढ़ जाने की बहुत इच्छा है। कल भी इसको पूरा करेंगे। फिलहाल भगवान का दर्शन लेने जा रहे हैं। हेलो गाइस, ये देख सकते हैं खंडाला घाट, और ये घाट के खूबसूरत से नज़ारे। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है और मैं खड़ा हूँ ओल्ड पुणे हाईवे पे। देख सकते हैं खूबसूरत से नज़ारे। ये नीचे खुपोली ओल्ड पुणे हाईवे ये बजाज कंपनी
सकते हैं खूबसूरतता पुनः से भी ये पुणे का आउटर एरिया है पुणे पिंपरी चिंचवड और हमारे मैडम के पैर दुखने लगे इसलिए हमें ब्रेक लेना पड़ रहा है तो मिलता हूँ आपको आगे। हेलो गाइस, अभी ये ना होटल में हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, अभी बज चुके हैं 12:07 हो चुके हैं और अभी यहाँ से निकल रहे पुणे सोलापुर रोड पे हम लोग है। आज फर्स्ट टाइम मेरे बाइक के ऊपर चरण हो गया पुणे में, रोड के साइड में गाड़ी लगाया तो नो पार्किंग में गाड़ी लगाया करके 500 रुपया तो टोइंग किया इसके लिए, तो टोटल 800 रुपया फाइन मेरे को आज लगाए। पुणे का थर्ड क्लास रूल, ये देखिए कैसे गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है वो चलता है, रोड पे गाड़ी खड़ी थी वो भी बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, बस खाली है। मैं जस्ट गाड़ी लगा के नाश्ता करने के लिए अंदर जा रहा था, और मेरे पे फाइन लगा दिया मेरे बाइक के ऊपर। और अभी सोलापुर रोड पे हम लोग है और पंढरपुर लगभग 3 घंटा 37 मिनट का टाइम लगेगा पहुँचने में, और यहाँ पे अभी काफ़ी खतरनाक सी धूप लग रही है, बहुत हीट लग रही है अभी। बहुत गर्मी हो रही है, सुबह में अच्छी खासी ठंड थी, होटल भी बुक नहीं हो रहा है, डायरेक्टली जगह पे जाके बुकिंग करेंगे। एक होटल देख के रखा है, होटल रखमाई भक्त निवास करके उसका नाम है, देखते हैं। मेरे दोस्त वहाँ पे 2-3 बार जाके आ चुके हैं, इसके लिए उन्होंने मुझे रिकमेंड किया। पुणे में ऐसा बेकार गाड़ी चलाते हैं ना, इधर से भी कोई भी कभी भी आ सकता है। मेरे बाइक का भी एक्सीडेंट पुणे में हुआ था अले गाँव के पास। चलो फिर आपको मिलता हूँ आगे। I love it.
NH 65 छोड़ के अंदर आ चुके हैं सोनापुर वाला हाईवे छोड़ के, और पंडरपुर अभी 40 किलोमीटर यहाँ से। टू मिनट दिखा रहा है, सिंगल लेन रोड है, इसके लिए थोड़ा टाइम दिखा रहा है। केले की बाग, गन्ने की खेती, गेहूं की खेती, यहाँ पे बहुत कुछ दिख सकता है। चलो फिर मिलता हूँ आगे, मैं दिखाता हूँ आपको आगे के नज़ारे। हेलो गाइस, हम लोग लगभग पंडरपुर पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं सिर्फ 2.4 किलोमीटर का रास्ता बचा है। चलो फिर मिलता हूँ आगे और आपको दिखाता हूँ, पहले अभी होटल ढूँढना है, होटल ढूँढ के फिर आपसे मिलता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कुछ इस तरह का रूम है। अंदर आते ही यहाँ पे वॉशरूम, यहाँ पे कुछ टीवी वगैरह नहीं है, ऐसा बेड है, फोन है, ये बाहर के नज़ारे देख लीजिए। हेलो गाइस, हमारे अभी विठल के दर्शन हो चुके हैं और विठल रुक्मिणी के मंदिर में मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं है, इसके लिए कोई वीडियो नहीं बना पाया। जो भी वीडियो बनाई है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मैं अभी मेरे होटल में बैठा हूँ, इसका नाम है विठल रुक्मिणी धाम, और इसका जो हम लोगों ने रूम लिया है उसका चार्ज है 1000 रुपीज़ 2 पर्सन, नॉन एसी रूम, और एसी चाहिए आपको तो 1200 रुपया विदाउट टीवी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल का अपना प्लान है अक्कलकोट, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।